हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑन MRS बेकिंग एंड कुकिंग। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा ऑर्डर है 2 टेयर का और ये 1.5 kg में मैं बटर स्कॉच फ्लेवर का केक बनाने वाली हूँ। ये डॉल केक है, अभी मैं स्पॉन्ज बनाकर ही आपको दिखा रही हूँ। इसका स्पॉन्ज मैंने वनीला का ही बनाया है। ये पहला वाला जो आप स्पॉन्ज मैंने अभी निकाला ना, ये वाला स्पॉन्ज मैंने बनाया है 8 इंच के केक टीन में। इसे मैंने 300 ग्राम प्रीमिक्स से बनाया है, वनीला प्रीमिक्स से। यहाँ पर मैंने कप में 1/2 कप पानी लिया है और ये लिया है मैंने बटर स्कॉच का क्रस्ट। ये 2 से 3 चम्मच मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसे घोल के रख लेंगे एक साइड में। इसे हम इससे ही सोकिंग करेंगे अपने बेस की। और छोटा वाला बेस जो मैंने बनाया था वो मैं 6 इंच के टिन में बनाई थी, वो 1/2 kg का था 150 ग्राम प्रीमिक्स से। अब हम इसकी 3 लेयर कर लेंगे बड़े वाले बेस की। और इसे मैंने शुगर सिरप से सोक कर दिया है और क्रीम लगा रही हूँ। अब क्रीम प्रॉपरली सब जगह तक फैला दीजिए जिससे केक जो है टेढ़ा मेढ़ा ना दिखे। अभी मैं आपको बताती हूँ कि यदि आप इसे कोई और फ्लेवर में बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, चॉकलेट, किसी भी फ्लेवर में। अभी ये मेरा ऑर्डर था इसलिए मैं आपको बटर स्कॉच बना के दिखा रही हूँ। और इसमें मैंने चंक्स भी ऐड किए हैं बटर स्कॉच वाला ही। ये चंक्स मैंने रेडीमेड लिए हैं, जो रेडीमेड वाला चंक्स आता है ये मैंने गुडरिच का लिया है। और ये चंक्स थोड़े बड़े पीसेज में थे तो मैंने बटर पेपर में फैलाकर इसी बेलन से ही थोड़ी सी कुटाई कर दी जिससे ये छोटे हो गए। और अब मैं इसे फैला ले रही हूँ पूरे केक के ऊपर। अब मैं इसकी सेकेंड लेयर रखूँगी, सोकिंग करूँगी और क्रीम लगाऊँगी, इवेनली सब जगह पर फैला दूँगी और साइड से भी क्रम कोट करते चलिए जिससे जो है लास्ट में फिनिशिंग अच्छी आए। अभी ये डॉल केक है तो आप डॉल केक बना सकते हैं या फिर आप डॉल नहीं भी लगाइए, आप ऐसे ही कोई अच्छी सी डिज़ाइन बना लीजिए। नहीं तो मैंने अपने कई वीडियो में भी दिखाया है 2 टेयर का केक मैंने कई बार बनाया है, आप उनमें से कोई डिज़ाइन ले सकते हैं। अभी मैंने फिर से क्रश डाला, चंक्स ऐड करूँगी, 3rd लेयर डालूँगी इस पर और उसकी भी क्रम कोटिंग करके फाइनल आइसिंग कर देंगे। और इस केक ऑर्डर में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी, कस्टमर ने नहीं बताया था कि किसका बर्थडे है, उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि गर्ल का बर्थडे है। और मेरे घर में सबने सोचा, जिसको ये ऑर्डर दिया गया था उन्होंने सोचा कि ये छोटी सी बच्ची का बर्थडे है। तो हम लोगों ने अब खुद से डिसाइड करके, उन्होंने कोई डिज़ाइन नहीं बताई थी पर्सनली, हमने खुद से डिसाइड करके डॉल केक बनाने का सोचा और हमने डॉल केक बनाया भी। बट बाद में जब कस्टमर लेने आए तो उनसे पता चला कि ये बेबी गर्ल का नहीं, उसकी मम्मी का बर्थडे था। बट उन्होंने कुछ बोला नहीं और वो केक लेकर गए और उसकी मम्मा को भी केक बहुत पसंद आया, उनका रिव्यू भी आया था, उन्होंने मैसेज करके बताया भी था कि केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और उसकी डेकोरेशन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो आप भी ये डेकोरेशन ट्राई कर सकते हैं। अभी मैं आपको केक के बारे में कुछ बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्रीम में पिंक कलर, थोड़ा सा ही पिंक कलर ऐड किया है, 2 ड्रॉप्स, जिससे ये बेबी पिंक कलर बन गया है। और इसे मैं केक के साइड पर ही पाइपिंग बैग में फिल करके लगा दे रही हूँ। साइड्स को भी मैंने स्क्रेपर से क्लीन कर लिया और इसके टॉप को मैंने स्पैचुला से क्लीन कर लिया। यहाँ पर मैं कार्ड की सहायता से भी थोड़ी सी फिनिशिंग दे रही हूँ बिकॉज ये स्पैचुला से ठीक से फिनिशिंग नहीं आ रही थी इस पर। और अभी ये मुझे थोड़ा सा जो है सिंपल सा लग रहा था, इसलिए मेरे दिमाग में आया कि मैं इसे फिर से मैंने इस पर क्रीम लगाई और मैंने इसे कॉम्ब करने का सोचा तो फिर मैंने इस पर क्रीम लगा कर फिर से अपनी डिज़ाइन को बिगाड़ दिया। और अब मैं इस पर एक नई डिज़ाइन दूँगी बिकॉज मैं इस पर अभी कुछ करने वाली नहीं थी, तो ये ऐसे सिंपल सा अच्छा नहीं लगता इसलिए मैंने इसे कॉम्ब कर दिया। अभी आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। अब मैं इसके टॉप को भी स्पैचुला से क्लीन कर लूँगी। क्लीन कर लीजिएगा, क्लीनिंग बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा, एक बार में नहीं होती तो आप दोबारा कीजिए, तिबारा कीजिए। अभी मैं भी एक बार में फिनिशिंग देना नहीं आता था मुझे भी, मैंने कई बार किया फिर मुझे आया, तब मैंने सीखा है। फिर आप भी अगर कई बार करेंगे तो आपको आ जाएगी। अब मैं अपने बड़े वाले केक को 1.5 kg केक बोर्ड पर ट्रांसफ़र कर लूँगी। अभी देखिए मैंने पहले नाइफ से इसमें थोड़ी सी जगह बनाई, इसके बाद स्पैचुला और नाइफ की हेल्प से इसे उठाकर केक बोर्ड पर ट्रांसफ़र कर दिया है। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में ठंडा होने रख दूँगी और यहाँ पर छोटे वाले केक जो मैंने 1/2 kg का बनाया था उसे मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। और इसे मैंने डिवाइड करने के बाद अब मैं इसकी आइसिंग करूँगी। इसे भी मैं सेम प्रोसेस से, सबसे पहले बीच वाली लेयर ही आप रखा करिए सबसे पहले नीचे, फिर मैंने सबसे बीच वाली लेयर को सबसे पहले नीचे रख दिया है थोड़ी सी क्रीम लगाकर जिससे ये खिसके नहीं। अब इसे शुगर सिरप से सोक किया, क्रीम लगाई, क्रस्ट ऐड किया
अभी चंक्स ऐड करूंगी, फिर से सेकंड वाली लेयर, सेम वही प्रोसेस होती है, आप सेम प्रोसेस से ही इसे कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप कोई और फ्लेवर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, यदि आपको जैसा जो भी फ्लेवर आपको अच्छा लगे, या फिर यदि आप सेल करते हैं जो आपके कस्टमर ने कहा है, आप वो फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बटर स्कॉच फ्लेवर में ही बनाएं। तो अभी आप वीडियो में दिखाए गए तरीके से, सेम प्रोसेस से क्लीन कीजिए, क्रस लगाइए, उसमें चंक्स ऐड कीजिए, साइड से भी क्लीन कीजिए, इसकी क्रम कोटिंग कीजिए। अभी मैंने थोड़ा सा क्रीम में येल्लो कलर ऐड किया है और थोड़ा सा मैंने एक ड्रॉप ऑरेंज कलर भी ऐड किया है, जिससे ये थोड़ा सा क्रीम कलर में बन गया है। अब मैं इसे भी उठाकर अपने बड़े वाले केक के ऊपर ट्रांसफ़र कर दूंगी। अभी देखिए, धीरे से हम नाइफ़ को निकाल लेंगे। देखिए थोड़ा सा ये लग गया है ना, अभी हम इसको बाद में सही कर देंगे। यहाँ पर मैं कोई डिजाइन बनाकर इसे छुपा दूंगी। यहाँ पर मैंने ली है डॉल, अभी आप डॉल ले लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने ली है रोज़ पेटल वाली नोजल, यहाँ पर रोज़ नोजल लीजिएगा। और इसे पहले डॉल के ऊपर वाला जो टॉप होता है, हम सबसे पहले उसे बना लेंगे। अभी वीडियो में दिखाए गए तरीके से आप थोड़ा हाथ को हिलाते हुए बनाइएगा, जिससे ये वाला पैटर्न आराम से बन जाएगा। अभी मैंने रोज़ नोजल जो होती है उसे उल्टा करके ये डिज़ाइन बनाई है। यहाँ पर अब हम सेंटर में डॉल को इंसर्ट कर देंगे। साइड्स में इसके सबसे पहले इसके ऊपर वाली फ्रिल बनाएंगे। फ्रिल बनाने के लिए आप मेरे हाथों को देख सकते हैं, मैं कैसे हिला हिला के बना रही हूँ। अभी देखिए, ये डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने सबसे जो छोटा वाला, जिसे तिरछा सा कटा नहीं होता है रोज़ नोजल, उसे मैंने ऊपर रखा है और बड़े वाले पार्ट को मैंने नीचे रखा है, जिससे ये आराम से फ्रिल बन जा रही है। अभी हाथों को थोड़ा सा घुमाते हुए आराम से फ्रिल बनाइए। अब मैंने नीचे से बनाना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी, अभी मैं आपको बता दे रही हूँ, जिससे आप भी ना करें ये मिस्टेक। मैंने सबसे पहले ऊपर से बनाना स्टार्ट किया था, बट जब भी आप फ्रिल बनाएं तो उसे नीचे से बनाइए। देखिए, अब मैं नीचे से बना रही हूँ ना, अभी मैं ऊपर वाला भी उठा लूँगी, क्योंकि ऊपर बनाएंगे तो फिर से फ्रिल दिखने लगेगी। ये देखिए, मैंने इसे उठा लिया है, अब मैं नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ और ऊपर की तरफ ले जा रही हूँ, जिससे इसकी सारी फ्रिल्स दिखेंगी, तब जाकर ये फ्रॉक लगेगी। अभी डॉल लग रही है ना कि केक पर बैठी हुई है, तो आप भी ये गलती ना करें, सबसे पहले आप नीचे के साइड ही फ्रिल बनाइए। अभी मैं इसे गले में पहना दे रही हूँ, वो हार जैसा पेंडेंट। अभी मैंने इसके हाथ में ब्रेसलेट पहना दिया है और इसे टियारा भी लगा दिया है। और साइड्स में भी मेरे पास थोड़ी सी क्रीम बच गई थी, तो मैंने मोती मोती जैसा डिज़ाइन बना दिया है। यहाँ पर मैंने एडिबल बटरफ्लाइज ली हैं और इसे भी हम केक पर ही डेकोरेट कर देंगे, इससे थोड़ा सा न्यू लुक आ जाएगा। यहाँ पर मैंने सिल्वर ग्लिटर वाला स्प्रे लिया है, इसे डस्ट कर देंगे, जिससे केक में थोड़ी सी साइन आ जाए। और मैं गोल्डन स्प्रे से इसके टॉप पर भी डस्ट करूँगी, जिससे टॉप भी थोड़ा सा साइन करे। और ये केक देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, कस्टमर ने बताया भी कि ये खाने में भी बहुत अच्छा था। आपको ये कैसा लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस उन्हें हमेशा मिलती रहें। अभी मैंने इस पे, इसके हार पे थोड़ा सा, जो मैंने नेकलेस इसे पहनाया है उस पे मैं थोड़ा सा मोती लगा दे रही हूँ, जो एडिबल वाली होती नहीं है मोती स्प्रिंकल्स, मैं उससे थोड़ा सा इसे डेकोरेट कर दे रही हूँ। जैसे हम लोग के हार वगैरह में स्टोन लगे होते हैं, वैसा ही मैं इसे भी डेकोरेट कर दे रही हूँ, इसे थोड़ा सा ये अच्छा लगेगा। और सच में डॉल बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। आपको कैसा लगा ये मैंने आपको बताया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी आप वीडियो में दिखाए गए तरीके से, सेम प्रोसेस से डॉल को डेकोरेट कर लीजिए और अपने कस्टमर को दीजिए, या फिर आप घर में भी इसे सेलिब्रेट कर सकते हैं बनाकर। केक कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग एंड बेकिंग।